और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई बी के सिन्हा वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कल के वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी नाउन के बारे में, नाउन कितने टाइप्स का होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बात की गई थी। और जो पांच टाइप्स नाउन के हैं उनमें से हम लोगों ने दो को डिस्कस किया था, और वो दो नाउन्स थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ था, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर भी बात की गई थी। जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पर बेस एरर्स आता है, जैसा कि आपको पता है। आर्टिकल में हम लोगों ने उस पर बहुत से क्वेश्चंस भी किए हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कल डिटेल में डील किया गया था। आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन्स की बात करें। काइंड्स ऑफ नाउन्स में टुडे वी विल डिस्कस थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है नाउन्स का, जिसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर बेस्ड एरर्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा और आप ठीक से समझने की कोशिश करना, कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे फाइन पॉइंट्स हैं बट वही कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर एक बार हम ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय कलेक्टिव। तो कलेक्टिव जो वर्ड है वो किससे बना है? कलेक्शन से बना है। और कलेक्शन मीन्स क्या होता है? ग्रुप होता है या समूह होता है, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रुप। तो ग्रुप के केस में हम लोग कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को अगर डिफाइन किया जाए तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल मेंबर्स। मल्टीपल मेंबर्स, वैसा ग्रुप जिसमें बहुत से मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है जिसको नोट करना चाहिए। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल मेंबर्स, इसमें बहुत से मेंबर्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? बहुत से मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट इज वन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से फर्नीचर, अगर वस्तुओं की बात करें तो फर्नीचर इज ए ग्रुप हैविंग मल्टीपल मेंबर्स। उसी तरह से अगर हम देखें तो क्राउड, ये भी एक कलेक्शन है जो कि दिखाता है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। क्राउड के अलावा हम लोग यहाँ पे मॉब भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर एक्सप्लेन कीजिए क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है। अगर हम हिंदी में बताएं तो क्राउड मतलब भी भीड़ और मॉब का मतलब भी होता है भीड़। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। भीड़, और यहां पर भीड़ तो होती है, लेकिन वो भीड़ कैसी होती है? वो भीड़ होती है उत्तेजित भीड़। उत्तेजित भीड़, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस आवर्स जो होता है, चाहे ऑफिस जाने का टाइम 9:30 to 10:30 या ऑफिस से लौटने का टाइम 5:30 to 6:30 से, तो उस समय रोड पर जो भीड़ होती है दैट इज क्राउड, उसको हम लोग कहते हैं क्राउड। अगर स्टूडेंट्स के कॉलेज में देखा जाए तो वहां पर भी क्राउड होता है। कौन सा क्राउड होता है? स्टूडेंट्स का क्राउड होता है। बट कभी कभी यही जब क्राउड उत्तेजित हो जाता है, मारपीट करने लगता है, दुकानों के शीशे तोड़ने लगता है, व्हीकल्स के शीशे तोड़ने लगता है, तब क्या होता है? दिस क्राउड टर्न्स टू मॉब।
तब ये क्राउड मॉब बन जाता है। यानी कि मॉब एक उत्तेजित भीड़ होती है जो गुस्से में होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मॉब इज इक्वल टू इरेट क्राउड। मॉब इज इक्वल टू इरेट क्राउड। उत्तेजित भीड़ के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इरेट क्राउड। सो मॉब इज इक्वल टू इरेट क्राउड। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इसमें मल्टीपल मेंबर्स होते हैं तो मेंबर्स के नेचर के हिसाब से मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कलेक्टिव नाउन को तीन सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कलेक्टिव नाउन कैन बी सब डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। यहां पर हम लोग लिखते हैं सब डिविजन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। सब डिविजन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंबर्स। ये जो सब डिविजन का क्या बेसिस होगा, इसका बेसिस होगा मेंबर्स। मेंबर्स के आधार पे हम लोग इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला टाइप है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सेकेंड टाइप इज ग्रुप कलेक्टिव नाउन और थर्ड टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और ये जो सब डिवीजन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंबर्स, मेंबर्स के आधार पर इसको सब डिवाइड किया गया है। अब इसमें से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के लिए अलग ही डिस्कशन किया जाए। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर वहां पे लिखूंगा आपके लिए। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है जिसके मेंबर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे आर डिस्टिंक्ट इन देयर नेचर। वैसे कलेक्टिव नाउन को हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तुरंत आपका क्वेश्चन होगा कि सर एग्जाम्पल इसका बताइए तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्नीचर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों फर्नीचर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि फर्नीचर इज अ सेट, इज अ ग्रुप, जिसमें क्या होता है, जिसमें चेयर्स होते हैं। अगर चेयर की हम बात करें तो चार पांच टाइप का चेयर हो सकता है। डाइनिंग चेयर हो सकता है, रिवॉल्विंग चेयर हो सकता है, ऑफिस चेयर हो सकता है, रिक्लाइनिंग चेयर हो सकता है, स्टडी चेयर हो सकता है। तो इतने तरह के तो चेयर्स हो सकते हैं। चेयर के अलावा फर्नीचर में टेबल हो सकता है, उसकी भी वैरायटीज है, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, साइड टेबल एट्सेट्रा। उसके अलावा अलमीरा हो सकता है, उसमें बेड हो सकते हैं, सोफा हो सकता है। तो फर्नीचर जो ग्रुप बनता है, जो कलेक्शन बनता है, इट इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। अलग अलग प्रकार के मेंबर्स होते हैं, तो फर्नीचर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ज्वेलरी भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ज्वेलरी के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी कितने वैरायटी के आइटम्स होते हैं। उसमें आप देखते होंगे रिंग्स होता है, चेन होता है, पेंडेंट होता है,
उसके बाद बैंगल्स हो सकता है, ब्रेसलेट हो सकता है, आर्मलेट हो सकता है, एमुलेट हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ज्वेलरी इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जिसमें अलग अलग प्रकार के मेंबर्स होते हैं। और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे क्रॉकरी। क्रॉकरी में भी बहुत तरह के आइटम्स हो सकते हैं, कप हो सकता है, प्लेट हो सकता है, सॉसर हो सकता है, बॉल हो सकता है, उसी तरह से स्पून हो सकता है। तो ये सब क्रॉकरी के एग्जांपल्स हैं। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप और सेट ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर्स, डिस्टिंक्ट मेंबर्स। इसके एग्जांपल्स मैंने क्या बताए थे वो भी यहां पे लिख देता हूं। इसके एग्जांपल्स है फर्नीचर, फिर ज्वेलरी, क्रॉकरी एक्सेट्रा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी एक्सेट्रा। अब इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की अगर बात करें जिस पर एरर आता है, तो कॉन्सेप्ट वन इज कि जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर लिखते हैं। मीन्स फर्नीचर कैनॉट बी फर्नीचर्स। अगर फर्नीचर्स लिखा हुआ है, जो कि कॉमन एरर में बहुत बार आता है, फर्नीचर में एस लगाकर लिख दिया जाएगा तो वो गलत है। ज्वेलरी कैनॉट बी ज्वेलरीज और क्रॉकरी कैनॉट बी क्रॉकरीज। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स आर रिटन सिंगुलर। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स आर रिटन सिंगुलर। अगर इसमें एस या ईएस लगा हुआ है या आई एस लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एरर कैसे आता है, एक दो एग्जाम्पल्स यहां पर लिखता हूं। एरर आएगा, मिस्टर वर्मा सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर्स। यहां पर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर एरर लोकेट करने की बात होगी तो एरर कहां पे देखने को मिलेगा, एरर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे जो फर्नीचर में एस लगाया गया, दैट इज रॉन्ग, इट शुड नॉट बी देयर। तो फर्नीचर्स नहीं होगा, वहां पे फर्नीचर होगा। एक और एग्जांपल, ज्वेलरीज आर एक्सपेंसिव, ज्वेलरीज आर एक्सपेंसिव। यहां पर ज्वेलरी को ज्वेलरी ना लिख के इसका प्लूरल लिखा गया, ज्वेलरीज आर एक्सपेंसिव, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे आर भी गलत है। जब ज्वेलरीज को प्लूरल किया गया तो साथ में आर लगाया गया, बट दिस इज अगेन रॉन्ग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट टू क्या है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट टू दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट वन इटसेल्फ। कॉन्सेप्ट वन पर ही बेस्ड है। कॉन्सेप्ट वन में ये बात कही गई कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिमिलर लिखते हैं, और जब उसको सिमिलर यूज किया जाएगा एज ए सब्जेक्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि इट इज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। मींस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन
को यहां पे हम लोग रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन इट से, इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, फर्नीचर इज ओल्ड. फर्नीचर चूंकि सिंगुलर है, उसके साथ यहां पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, फर्नीचर इज ओल्ड. एक और एग्जाम्पल, ज्वेलरी इज एक्सपेंसिव. ज्वेलरी इज एक्सपेंसिव, यहां पे ज्वेलरी चूंकि सिंगुलर है इसीलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ये भी सिमिलर होगा, ज्वेलरी इज एक्सपेंसिव. अब कॉन्सेप्ट थ्री की बात अगर करें, कॉन्सेप्ट थ्री की बात करें तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल द यूज कर सकते हैं. आर्टिकल द में भी used, article the may be used. For example, the हम लोग कब यूज करते हैं, जब डेफिनेट आइटम की बात करते हैं, पर्टिकुलर आइटम की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग the यूज करते हैं. For example, the jewelry bought by him is beautiful. यहां पे किस ज्वेलरी की बात की जा रही है, यहां पे हम लोग किस ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, उस ज्वेलरी की जो उसने खरीदा. means we are talking about particular jewelry bought by him. तो ये चूंकि particular या definite jewelry है इसीलिए इसके पहले हम लोग द यूज करते हैं. द ज्वेलरी बॉट बाय हिम इज ब्यूटीफुल. सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. और इस पर बेस्ड एरर्स कैसे आएंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये हम लोग डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे. देन वी कम टू सेकेंड सब टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन. वो जो सेकेंड सब टाइप था उसको लिखा गया था, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन. ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है, इसके मेंबर्स कैसे होते हैं, तो इसके मेंबर्स जो होते हैं एक तरह के होते हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, एक जैसे मेंबर्स होते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पुलिस. पुलिस ग्रुप कलेक्टिव नाउन का बेस्ट एग्जाम्पल है. कैसे, जब भी वेन एवर वी टॉक ऑफ पुलिस, पुलिस की बात जब भी की जाती है तो किसी का अलग चेहरा नहीं दिखता, बल्कि खाकी वर्दी पहने हुए मामा जी लोग हमेशा नजर के सामने आते हैं. तो वे दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बल्कि एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए पुलिस ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एक अच्छा एग्जाम्पल है. उसी तरह से अगर हम बात करें तो क्राउड भी इसी कैटेगरी में आता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में. क्यों, क्योंकि भीड़ या मॉब भी इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है. ये कैसे होते हैं कि सिर्फ इसमें लोग दिखाई पड़ते हैं और उनका हेड काउंट इज इंपॉर्टेंट, हेड काउंट ही दिखाई पड़ता है, अलग अलग हम लोग इनकी बात नहीं कर सकते. तो ग्रुप जिसके मेंबर एक जैसे दिखते हों, जब भी उनकी बात की जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन. हैविंग सेम टाइप ऑफ मेंबर्स. सेम टाइप ऑफ मेंबर, सेम का मतलब नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं हो.
तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कॉन्सेप्ट वन, जैसा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में बताया गया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिमिलर लिखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। पुलिस अगर है तो पुलिस हमेशा पुलिस लिखा जाएगा, कभी भी पुलिसेज नहीं लिखा जाएगा। तो दिस नाउन इज रिटन सिंगुलर, दिस नाउन इज रिटन सिंगुलर। और जब नाउन को सिंगुलर लिखते हैं तो इसी पर बेस्ड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट टू, कॉन्सेप्ट टू विल बी इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, वर्ब भी सिंगुलर होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर अगर एग्जाम्पल्स देने की बात होगी तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे उल्टा होगा थोड़ा, दैट वे ये जो कॉन्सेप्ट है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे इसको तो हम लोग सिंगुलर लिखते हैं नाउन को, बट इसके साथ जो वर्ब लगता है दैट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। ये थोड़ा पिकुलियर चीज है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बट इट विल बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब, इस पे ध्यान रखना है। और इसी पर बेस एरर्स भी आता है, इसका एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग कहते हैं कि पुलिस आ रही है, डिसाइड करना होगा कि क्या लिखेंगे, पुलिस इज और आर कमिंग, इज और आर में अगर हम देखें, अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं होगा तो मेरा आंसर होगा इज, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसके बाद चूंकि प्लूरल वर्ब आना चाहिए इसीलिए आंसर होगा पुलिस आर कमिंग, करेक्ट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, जैसे भीड़ नियंत्रण से बाहर है, हम लोग क्या लिखते हैं, मॉब इज ऑब्लिक आर आउट ऑफ कंट्रोल, मॉब इज ऑब्लिक आर आउट ऑफ कंट्रोल। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी प्लूरल वर्ब यूज होगा, अगर इसको टिक किया जाएगा, अगर इसको टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉब के साथ जो फॉलोइंग वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, तो यहां पे आर मेरा सही आंसर होगा। एरर कैसे देगा, एरर दे देगा मॉब इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि इसकी जगह पे आर होना चाहिए। तो ये था कॉन्सेप्ट टू। एज फार एज आर्टिकल इज कंसर्न, अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट थ्री की बात करेंगे रिलेटेड टू आर्टिकल, तो उसके बारे में कहा जाता है आर्टिकल द may be used with it, इसके साथ हम लोग द यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी खास भीड़ की, तो वहां पे लिख सकते हैं द मॉब इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो द को भी यूज किया जा सकता है। तो ये था ग्रुप कलेक्टिव नाउन और उससे रिलेटेड डिस्कशन। नाउ वी कम टू थर्ड सब टाइप, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का थर्ड जो सब टाइप था वो लिखा गया था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको ठीक से समझना होगा,
ये मेंबर्स के, एक तो ये जो लिविंग मेंबर्स हैं उनके बारे में बात किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में, और ये बेस्ड होता है उनके ओपिनियन पे. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स ओपिनियन. जो भी मेंबर्स होते हैं, या यहां पे हम लिख सकते हैं मेंबर्स ओपिनियन. उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले सोचना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का, बेस्ट एग्जांपल है कमिटी. कमिटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. कमिटी का स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, ये अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एक ही सेंटेंस में तीन तीन डबल लेटर्स लिखे गए हैं, डबल एम, डबल टी और डबल ई. एग्जाम में स्पेलिंग एरर में आता है कमिटी. तो कमिटी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का क्लासिक एग्जाम्पल है. सपोज कि पांच मेंबर्स की एक कमिटी बनाई गई. ए कमिटी ऑफ फाइव मेंबर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. अब इन फाइव मेंबर्स में क्या हो सकता है, तीन मेंबर की ओपिनियन एक हो सकती है और दो मेंबर्स की ओपिनियन अलग हो सकती है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पांचों मेंबर्स जो हैं उनकी ओपिनियन एक हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पांच मेंबर्स हैं पांचों की ओपिनियन अलग अलग हो. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो कमिटी इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है. पांच मेंबर की कमिटी है, कमिटी ऑफ फाइव मेंबर्स, उसमें ये केस हो सकता है. यहाँ पर ये जो पांचों हैं ये सेम ओपिनियन वाले हैं, सेम ओपिनियन. यहाँ पर जो ओपिनियन है वो डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट, और हम लोग डिवाइडेड भी लिख सकते हैं. जब ओपिनियन अलग होगा तो कमिटी इज सेट टू बी डिवाइडेड, और जब ओपिनियन एक होगा तो उस कमिटी को हम लोग उसी आधार पर लिख सकते हैं कि द कमिटी इज यूनाइटेड. ठीक है, तो ये कमिटी का कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. कमिटी के अलावा और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा जा सकता है. कमिटी के अलावा पार्लियामेंट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है. पार्लियामेंट, उसी तरह से गवर्नमेंट, ज्यूरी. ज्यूरी किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस, जजों के समूह को हम लोग कहते हैं ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस. ये भी एग्जाम्पल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के. अब देखते हैं कि क्या केस बना. केस वन, व्हेन व्हेन द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स, व्हेन द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स इज सेम. दिस इज वन केस. तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को भी सिमिलर लिखते हैं और उसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो भी सिमिलर लिखा जाता है. तो हम लोग आगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं. व्हेन द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स इज सेम, द ग्रुप इज यूनाइटेड, कॉमा, इसको लिखते हैं सिंगुलर, इट इज रिटन सिंगुलर, एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब,
एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. ये केस वन है और यही कॉन्सेप्ट भी देगा. इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट डेराइव कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट तो बना ये, व्हेन द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स इज सेम द ग्रुप इज यूनाइटेड रिटन सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल यहां पे हम लोग लिखते हैं. द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड, द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ऑन कोविड 19 ऑन द कोविड 19 इशू. कोविड 19 का इशू जो हमारे देश में चल रहा है उस पर पार्लियामेंट यूनाइटेड है कि ये खतरनाक है और जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, लॉकडाउन किया या जो भी नॉर्म्स तय किए गए उस पर पार्लियामेंट यूनाइटेड है. तो यहां पे पार्लियामेंट को क्या लिखा गया, पार्लियामेंट यहां पे सिंगुलर है और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड हम लोगों ने यूज किया. ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना है. एरर कैसे पूछेगा, द पार्लियामेंट इस की जगह पे यहां पे दे देगा आर. अगर आर लिखा हुआ है तो दिस इज रॉन्ग और कहना होगा कि आर की जगह पे इज सही है. तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है पार्लियामेंट, ये भी सिमिलर है और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिमिलर है. द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ऑन द कोविड 19 इशू. एक और एग्जाम्पल इसका लिखते हैं. द एक खास कमिटी के बारे में बात की जा रही है. द कमिटी इज ऑब्लिक आर यूनानिमस ऑन दिस इशू. एक कमिटी है जो किसी मामले में यूनानिमस है. यूनानिमस का मीनिंग समझना होगा. वहां पे जो हम लोगों ने यूनाइटेड लिखा था उसके जगह पे दूसरा वर्ड यहां पे लिखा गया है यूनानिमस. यूनानिमस मीन्स होता है एक मत, मीन्स ओपिनियन सेम है. जब ओपिनियन सेम है तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने क्या सीखा कि कमिटी सिमिलर सही लिखा गया है और चूंकि यूनानिमस है, एक मत है, इसीलिए यहाँ पे इज सही होगा. अगर हम लोग आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू. एरर में क्या देगा, एरर में दे सकता है यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आर. अगर आर है तो ये गलत है, अगर वर्ब भी लिखा हुआ रहेगा तो ये भी गलत होगा. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं. द The jury was oblique were united on this case. इस केस के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यूरी का जो जजमेंट था वो यूनाइटेड था, एक जैसा था. तब यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, was या were. वॉज सिंगुलर है, अगर ये यूज करेंगे तो सही होगा और वर अगर यूज कर दिया जाएगा तो ये गलत होगा. तो यहां पे ज्यूरी के साथ हम लोग वॉज यूज करेंगे. तो दिस वॉज केस वन. जबकि ग्रुप जबकि हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की और अगर वो यूनाइटेड होते हैं
तब वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। प्रोनाउन वाला भी इशू हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब एरर्स आएगा, तो इसके साथ अगर कोई प्रोनाउन भी होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। अब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसका केस टू। केस टू क्या होगा ये देखते हैं। केस टू में था उसका एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे कि जब ग्रुप डिवाइडेड होता है उसका ओपिनियन अलग अलग होता है, उसका एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं। द पार्लियामेंट इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। यहां पे क्या है, पार्लियामेंट तो सिंगुलर लिखा हुआ है बट ये इसका ओपिनियन डिवाइडेड है। ओपिनियन क्या है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन डिवाइडेड है, अलग अलग है, तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग प्लूरल को टेक करेंगे। द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अगर यहां पर इज यूज किया जाएगा तो ये गलत होगा। एक और एग्जांपल यहां पे, द ज्यूरी वॉज और वेयर डिवाइडेड इन दियर जजमेंट ऑन द अयोध्या इशू। ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात नहीं है, कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था अयोध्या इशू पे, उसके बारे में बात की जा रही है। वहां पे तीन जज थे, आज से करीब 12 साल पहले की बात होगी, तो उसमें तीन जज थे और तीनों का जजमेंट अलग अलग था। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ज्यूरी यहां पे सिमिलर है, लेकिन इसके साथ वर को टिक करना सही होगा। क्यों, क्योंकि वो अपने जजमेंट में डिवाइडेड थे। यहां पे हम लोग प्रोनाउन पर भी ध्यान देते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करें या पजेसिव एडजेक्टिव रादर जजमेंट यहां पे है, तो ये जो डियर वर्ड है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल होगा। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर जजमेंट ऑन द अयोध्या इशू। तो इस पर भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि वर यहां पे सही लिखा हुआ रहेगा और यहां पे लिख दिया जाएगा हिज जजमेंट, तो हिज की जगह पे, या इट्स जजमेंट, तो उसकी जगह पे हमको लिखना होगा दियर, ये भी प्लूरल होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का। केस टू जब मेंबर्स अलग अलग सोचते हैं उस समय हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द फोर्थ टाइप, फोर्थ जो नाउन था उसके बारे में बात करें, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग दो एंगल से डिफाइन करते हैं। मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सके लेकिन नापा या तौला जा सके। पहला एंगल क्या हुआ कि विच कैन नॉट बी काउंटेड बट विच कैन बी वेड एंड मेजर्ड। और सेकेंड, मटेरियल नाउन वैसे नाउन के लिए यूज किया जाता है जिसके इस्तेमाल से कोई नया प्रोडक्ट बन सके, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसका बेहतरीन एग्जांपल है मिल्क, विच कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन बी वेट एंड मेजर्ड।
मिल के इस्तेमाल से अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं, बटर, चीज, कर्ड एट्सेट्रा। मिल के बाद ऑयल हो सकता है, मटेरियल नाउन, पेपर हो सकता है, ग्रास हो सकता है, ग्रास से पेपर बनता है तो उस केस में हम लोग ग्रास को भी मटेरियल नाउन मान सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं मटेरियल नाउन के। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है, ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा इसमें। इसका कॉन्सेप्ट वन कहता है कि जो भी मटेरियल नाउन होता है उसको हमेशा हम लोग सिंगुलर लिखते हैं। मटेरियल नाउन को जैसे पेपर, पेपर है तो पेपर्स लिखना गलत होगा, मटेरियल नाउन के जैसा हम यूज करेंगे तो उसमें एस नहीं लगेगा, मिल के साथ भी एस नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट वन क्या है, ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज ऑलवेज रिटन सिंगुलर, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज ए न्यूट्रिशियस ड्रिंक, न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक, मिल्क इज ए न्यूट्रिशियस ड्रिंक मीन्स पौष्टिक ड्रिंक है। यहां पे देखते हैं हम लोग मिल्क के बारे में, मिल्क सिंगुलर है। इसका कॉन्सेप्ट टू क्या होगा, कॉन्सेप्ट टू, चूंकि इसको सिंगुलर लिखते हैं इसीलिए इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। इट इज फॉलोड बाय ए, इट इज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल पेपर इज यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर मेकिंग envelopes, पेपर इज यूज फॉर मेकिंग envelop। यहां पर हम लोग देखते हैं पेपर क्या है, पेपर एक मटेरियल नाउन है जो कि सिंगुलर है, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या यूज किया गया, सिंगुलर यूज किया गया। तो पेपर इज यूज फॉर मेकिंग envelop, ठीक है। देन इसका कॉन्सेप्ट थ्री आर्टिकल से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। तीन चीजों पर हम लोगों ने बात की, नाउन के बारे में, उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को डिस्कस किया गया, साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया गया कि अगर सिंगुलर फॉर्म है तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और फिर हम लोगों ने आर्टिकल पर भी डिस्कशन किया कि कौन सा आर्टिकल उसमें यूज होगा। तो मटेरियल नाउन में जनरली आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, बट समटाइम्स, बट समटाइम्स द कैन बी यूज्ड, बट समटाइम्स द कैन बी यूज्ड। कभी कभी हम लोग द यूज कर सकते हैं, कब, जब एक पर्टिकुलर मटेरियल नाउन की बात करते हैं वहां पे हम लोग द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑयल यूज बाय, द ऑयल यूज बाय द कैटरर वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, वहां पे हम लोग द लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग एक खास तेल की बात कर रहे हैं जिसको कि कैटरर ने यूज किया था, तो वहां पे हम लोग द लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल द
वाइल यूज्ड बाय द कैटरर वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। यहां पे किस वायल की बात की जा रही है? ये एक पर्टिकुलर वायल है जो कि कैटरर ने यूज किया था, तो इसको पर्टिकुलराइज करने के लिए यहां पे द का यूज ठीक किया गया है। द वायल यूज्ड बाय द कैटरर वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो ये था मटेरियल नाउन के बारे में और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में। एक इसमें बच गया, एक टाइप और बचा, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट होगा, आज जो दो टाइप डिस्कस किए गए मटेरियल नाउन के और इसके पहले जो हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल में बातचीत की, आप लोगों को समझ आया होगा। इस पर एरर्स कैसे होंगे ये जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उस समय आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये था आज का लेसन। आज के बारे में आज वर्ड वाला एक्सरसाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप। आई एम गोइंग टू डू सम एनकरेजिंग टॉक टू यू। कुछ मोटिवेशन की बात अभी की जाएगी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप अच्छा लाइफ लीड करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी, अच्छे सोच को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, जैसी पर्सनालिटी है उसको और भी विकसित करना चाहते हैं, तो कुछ चार पांच पॉइंट्स पे ध्यान देना जरूरी है। उसमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है, 5 पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू फॉर इम्प्रूविंग योर थॉट्स, फॉर इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी। उसमें सबसे पहली चीज है फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। पहला जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। यहां पे ग्रैटिट्यूड का मीनिंग जानना जरूरी होगा। ग्रैटिट्यूड मीन्स होता है आभार। ये चीज लाइफ में जरूरी है। अगर कोई भी आपके साथ अच्छा काम करता है, इफ समवन डज गुड टू यू, तो आपको उसके प्रति आभारी होना चाहिए। जैसे भगवान ने अगर हमें जिंदगी दी है, मनुष्य की जिंदगी दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। उनके प्रति आभार हमेशा व्यक्त करना चाहिए कि इतनी अच्छी जिंदगी मुझे दी गई। अगर किसी मेंटोर ने आपको अच्छा गाइडेंस दिया, किसी टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया, तो यू मस्ट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। उन लोगों के प्रति अपना आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपके आपका जो थॉट्स है उसको ब्रॉड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सेकेंड पॉइंट इज प्रैक्टिस पॉजिटिव affirmations, पॉजिटिव affirmations। एक वर्ड यहां पे यूज किया गया है affirmation। affirmation means होता है विश्वास, किसी चीज पे विश्वास। और वो जो विश्वास है, जैसे आई affirm my faith in God, भगवान के प्रति मेरी जो आस्था है उस पर मेरा मजबूती से विश्वास है, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं affirmation। affirmation means मजबूत मजबूत विश्वास, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं affirmations। पॉजिटिव तो आप जानते हैं सकारात्मक, तो जो आपका विश्वास होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और गहरा होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ये रखना चाहिए कि मैं जरूर सफल होऊंगा,
जो भी एग्जाम मैं दे रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आज नहीं तो कल मेरा रिजल्ट जरूर आएगा। अगर मेरी तैयारी उस लेवल तक पहुँचती है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशंस। थर्ड है लिसन मोर टॉक लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी दूसरा कोई लोग बोलता है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। इट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी, इट डेवलप्स योर थॉट्स। और जब कोई बोल रहा है तो आराम से सुनिए और उस समय बातें कम कीजिए। जब आपकी बारी आए तभी आप बात करना शुरू कीजिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, लिसन मोर टॉक लेस। नेवर बॉदर अबाउट, नेवर बॉदर अबाउट द थिंग विच इज आउट ऑफ, विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। हम लोग ज्यादातर वैसे चीजों के लिए चिंतित रहते हैं जो हमारे वश में नहीं है, और जो चीज हमारे वश में नहीं है उसके बारे में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि बेटर होगा। अभी जैसे लॉकडाउन चला, हम लोगों के क्लासेस बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है, लेकिन इसके बारे में अगर ज़्यादा टेंशन लेगा तो आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। हाँ, ये एक टाइम है, ये भी बीत जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए। सो वैसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लिखा जा सकता है, डोंट टेक अदर्स ओपिनियन, डोंट टेक अदर्स ओपिनियन टू योर हार्ट। दूसरे लोग अगर आपके बारे में कोई ओपिनियन, कोई रिमार्क पास कर देते हैं, कोई टिप्पणी देते हैं, तो उसको कभी भी अपने दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपके बारे में कुछ निगेटिव बोल दिया, कुछ निगेटिव कमेंट दे दिया, तो उसको अपने दिल से लगाकर उसके बारे में दुखी 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 होते चले गए तो आपका लाइफ हेल हो जाएगा। तो दीज आर सम फाइव पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अगर हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हमारा लाइफ बेटर होगा, हमारे जो थॉट्स होंगे वो ज़्यादा हेल्दी होंगे और हम ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे आप भी अवेयर होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोग देखते होंगे, तो यूट्यूब पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नंबर। तो नंबर बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ अगर कोई अच्छा कंटेंट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद, जिनको इनकी ज़रूरत है, उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। इसीलिए बार बार हम ये आई अर्ज अपॉन यू पीपल टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे और कुछ फ़ायदा हम लोगों का भी हो। विद दिस वी एंड दिस सेशन। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू।